आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या होती है, उसका एडवांटेज क्या है। तो एक सिंपल सा हिंदी में आप लोग को बता रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। हमें कम्युनिकेशन, हमें मैसेज भेजना है बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। तो अक्सर होता क्या है, लंबे डिस्टेंस में सिग्नल वीक हो जाती है, सिग्नल का नुकसान होता है, लूज़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस में मॉड्यूलेशन का यूज़ करना ज़रूरी ही होता है। पहले के ज़माने में लैंडलाइन में हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज़ नहीं करते थे, बट फिर भी लंबे लंबे दूरी तक हम लोग फ़ोन पे बात करते थे, वायर वाली जो फ़ोन आती थी, ठीक है। बट अभी के ज़माने में नाउडेज लंबे लंबे मतलब कि डिस्टेंस में सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, सिग्नल को अच्छे से भेजने के लिए, सिग्नल को एरर फ्री करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। सपोज़ हमें कॉल करना है यहाँ से कुवैत, हमें कॉल करना है यहाँ से USA, ठीक है। तो उस टेक्निक में हम लोग मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस को वो मतलब कि तक मैसेज जाता है और मैसेज में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए रिसीवर तक पहुँचने में, ठीक है। तो सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछेगा मॉड्यूलेशन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखो, टू सेंड ट्रांसमिटिंग मैसेज सिग्नल, मतलब कि अच्छे तरीके से इफेक्टिवली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वी यूज़ मॉड्यूलेशन। और ऊपर में साफ लिखा हुआ है, नॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता था, लंबे डिस्टेंस में सिग्नल क्या होती थी, वीक हो जाती थी, लूज हो जाती थी, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाता था। अब एक फंडा ये आता है, जब हम लोग सिग्नल को भेजते हैं तो सेंडर साइड में मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेटा क्या होती है, मॉड्यूल लेट होके जाती है, बट रिसीवर साइड में फिर से हमें उसी फ्रीक्वेंसी में डेटा को यूज़ करने के लिए हम डी मॉड्यूलेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेंडर साइड में हम लोग मॉड्यूलेशन लगाते हैं और रिसीवर साइड में डी मॉड्यूलेशन का यूज़ करके फिर उसी सिग्नल को कैच करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये तो था नीड कि हम लोग मॉड्यूलेशन का क्यों यूज़ करते हैं। अब उसका एडवांटेज देखते हैं, मॉड्यूलेशन का क्या एडवांटेज होता है, ये डेफिनेशन आप लिख लोगे यहाँ से वीडियो को पॉज करके। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, मॉड्यूलेशन परमिट यूज़ मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब कि मल्टीपल यूजर को डेटा एक साथ भेज सकता है, ठीक है, मल्टीपल यूजर को डेटा एक साथ भेज सकता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज हो गया, मेन एडवांटेज मॉड्यूलेशन का। दूसरा भी जो मेन एडवांटेज है, लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करेगा, इंक्रीज द कम्युनिकेशन रेंज, हम लोग कम्युनिकेशन रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, एडजस्टमेंट इन बैंडविड्थ आर अलाउ, मतलब कि बैंडविड्थ के को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है मॉड्यूलेशन। और जो फोर्थ जो मैंने लिख के रखा हुआ है एडवांटेज, कि एरर फ्री होता है, मॉड्यूलेशन कैन प्रोवाइड सम कंट्रोल ओवर नॉइस इंटरफेरेंस, या मतलब कि एक प्रॉपर एक अच्छा सा एरर फ्री मैसेज आप सेंडर से रिसीवर तक आप पहुंचाओगे मॉड्यूलेशन के थ्रू, नॉइस को कंट्रोल कर सकता है, एरर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो उसका एडवांटेज हो गया और जो मैंने पहले बताया उसका नीड। वीडियो को पॉज करके आपको लिखना चाहिए, अगर लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो, सारे टॉपिक कवर करूँगा एक बाय एक करके। तो वीडियो पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिएगा, तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।